जगदानंद सिंह के बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली है। सुधाकर सिंह ने बिना नाम लिए हुए नीतीश पर हमला बोला है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर भड़ास निकाली है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में पीएम बनने के लिए बेचैनी है, पीएम नहीं बनेंगे तो स्वर्ग के लिए आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी। वहीं सभी मंत्रियों को भी उन्होंने घेरे में लिया और कहा कि सरकार की नजर में मंत्री चपरासी और रबर स्टैंप हैं। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है, स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होते होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार के नजर में चपरासी है, रबर स्टैंप। उधर से सचिव फाइल आ देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता। नीतीश सरकार निशाने पर सुधाकर सिंह के। क्या कुछ और इन्होंने कहा है अपने संबोधन में। रंजन त्रिगुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। रंजन, सुधाकर सिंह काफी नाराज दिख रहे हैं और उनकी नाराजगी अलग अलग कार्यक्रमों में खुलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुधाकर सिंह मंत्री बने थे, उसके बाद जब मंत्रालय उनसे वापस ले लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से लगातार वो सरकार पे हमला बोल रहे हैं। पहले तो मंत्री रहते हुए उन्होंने कृषि रोड मैप को लेकर के, किसानों के हितों को लेकर के मोर्चा खोला हुआ था, कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, लेकिन जब से मंत्रालय गए है उसके बाद नीतीश सरकार पर सीधा वार करने से नहीं चूक रहे हैं। कल कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के हाटा में एक सम्मान समारोह। चलिए इसके बारे में रंजन हम पूरी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे शक्ति जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी नेता। शक्ति जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी आपका। शक्ति जी, सुधाकर सिंह काफी नाराज दिख रहे हैं और जब से उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ा है उसके बाद से अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी नाराजगी निकल रही है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी प्रतिक्रियाओं पर? सरकारी व्यवस्था निरंतर दुरुस्त होते जा रहा है। आपने देखा कि नेग्लिजेंसी बरतने वाले कोई भी लोग हो जो अपने कर्तव्यों से विमुख है, शासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हट रही है। रहा सवाल सुधाकर सिंह क्या बोल रहे हैं, अब वो हटे हैं मंत्री पद का, प्रत्याग किया है उन्होंने, अपने ही आचरण से ही प्रत्याग किया है, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी बातों को बहुत गंभीरता से हम इसलिए नहीं लेते जी। कि कोई भी मंत्री जिनके नाम से जो विभाग आवंटित है, हर लोग कोई काम कर रहे हैं, यहाँ कोई रबर स्टाम्प नहीं है। यहाँ वो है जो उत्तरदायी, जो निर्वहन के निहित किए गए हैं कर्तव्य, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।